Hello students, welcome to RG Studio. My name is Rahul, I am a teacher. इस वीडियो में मैं आपको वेरी इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की जानकारी देने जा रहा हूँ जो कि मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ MPH एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत अधिक यूजफुल हैं। विभिन्न यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट्स के मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ एंट्रेंस एग्जाम जैसे कि एम्स ऋषिकेश, एम्स रायपुर, एम्स जोधपुर, एम्स भुवनेश्वर, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET, PG, PGIMER, TISS, JIPMER, IIPH, NIMHANS, JNU, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, राजीव गांधी हेल्थ यूनिवर्सिटी, ICMR, पुणे यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी और अन्य सभी यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट जिनके लिए मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट होते हैं उन सभी के लिए वीडियो बहुत अधिक यूजफुल है। और जो कैंडिडेट्स विभिन्न यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट्स के MPH, MHA और अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के PDF नोट्स लेना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए एक व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, कैंडिडेट्स फॉर ग्लोबल इरेडिकेशन बाय WHO, ऑप्शन ए मलेरिया, ऑप्शन बी ड्रैकेनकुलाइसिस, ऑप्शन सी पोलियो, ऑप्शन डी मेजर्स, ऑप्शन ई चिकन पॉक्स। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन B, C and D, दैट इज ड्रैकेनकुलाइसिस, पोलियो एंड मेजर्स। कैंडिडेट्स फॉर ग्लोबल इरेडिकेशन बाय WHO आर ड्रैकेनकुलाइसिस, पोलियो एंड मेजर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिसीज इरेडिकेटेड फ्रॉम वर्ल्ड, डिसीज इरेडिकेटेड फ्रॉम वर्ल्ड, ऑप्शन ए स्मॉल पॉक्स, ऑप्शन बी गुनवॉर्म, ऑप्शन सी पोलियो, ऑप्शन डी डिप्थीरिया, ऑप्शन ई मेजर्स। करेक्ट आंसर इज स्मॉल पॉक्स, स्मॉल पॉक्स इज द डिसीज विच इज इरेडिकेटेड फ्रॉम वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉजेटिव एजेंट इज प्रेजेंट बट देर इज नो ट्रांसमिशन इज नोन एज, कॉजेटिव एजेंट इज प्रेजेंट बट देर इज नो ट्रांसमिशन इज नोन एज, ऑप्शन ए इलिमिनेशन, ऑप्शन बी कंट्रोल, ऑप्शन सी इरेडिकेशन, ऑप्शन डी होलोएंडेमिक। करेक्ट आंसर इज इलिमिनेशन, कॉजेटिव एजेंट इज प्रेजेंट बट देर इज नो ट्रांसमिशन इज नोन एज इलिमिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिसीज इलिमिनेशन इज हेल्प्ड बाय, ऑप्शन ए हर्ड इम्यूनिटी, ऑप्शन बी आइसोलेशन, ऑप्शन सी क्वारंटीन, ऑप्शन डी नन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए हर्ड इम्यूनिटी, डिसीज इलिमिनेशन इज हेल्प्ड बाय हर्ड इम्यूनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनालिसिस ऑफ प्रोटीन मेजरमेंट इज एम्ड एट डिटेक्टिंग चेंजेस इन एनवायरमेंट, ऑप्शन ए मॉनिटोरिंग, ऑप्शन बी सर्वेलेंस, ऑप्शन सी आइसोलेशन, ऑप्शन डी इवेल्युएशन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए मॉनिटोरिंग, एनालिसिस ऑफ प्रोटीन मेजरमेंट इज एम्ड एट डिटेक्टिंग चेंजेस इन एनवायरमेंट। करेक्ट आंसर इज मॉनिटोरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर इरेडिकेबल डिसीजेज एक्सेप्ट, ऑप्शन ए ट्यूबरक्लोसिस, ऑप्शन बी गुनवॉर्म, ऑप्शन सी पोलियोमाइलिटिस, ऑप्शन डी मेजर्स। करेक्ट आंसर इज ट्यूबरक्लोसिस, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर इरेडिकेबल डिसीज एक्सेप्ट, करेक्ट आंसर इज ट्यूबरक्लोसिस। सो ट्यूबरक्लोसिस इज नॉट अ इरेडिकेबल डिसीज एंड गुनवॉर्म, पोलियोमाइलिटिस, मीजल्स, दीज आर ऑल इरेडिकेबल डिसीजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेंटिनल सर्विलेंस इज फॉर, ऑप्शन ए बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट, ऑप्शन बी फॉर मलेरिया सर्विलेंस, ऑप्शन सी इफेक्टिव सैनिटरी सर्विलेंस, ऑप्शन डी सप्लीमेंट्री टू रूटीन नोटिफिकेशन। करेक्ट आंसर इज सप्लीमेंट्री टू रूटीन नोटिफिकेशन, सेंटिनल सर्विलेंस इज फॉर सप्लीमेंट्री टू रूटीन नोटिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर्विलेंस एक्चुअल टारगेट्स, सर्विलेंस एक्चुअल टारगेट्स, ऑप्शन ए प्रिवेंट डिसीज, ऑप्शन बी हेल्थ प्लानिंग, ऑप्शन सी डिसीज इरेडिकेशन, ऑप्शन डी डिसीज मॉनिटोरिंग। करेक्ट आंसर इज हेल्थ प्लानिंग, सर्विलेंस एक्चुअल टारगेट्स हेल्थ प्लानिंग। इट एक्सप्लेनेशन इज पब्लिक हेल्थ सर्विलेंस ऑनगोइंग सिस्टमेटिक कलेक्शन एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ आउटकम स्पेसिफिक डाटा क्लोजली इंटीग्रेटेड विद द टाइमली
डिसिमिनेशन ऑफ दीज डाटा टू दोज रेस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग पब्लिक हेल्थ एक्शन टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल डिसीज और इंजरी, रिजल्ट यूज फॉर नेशनल हेल्थ प्लानिंग पॉलिसी सेटिंग एंड टारगेटेड आउटकम्स, प्रोवाइड्स एसेंशियल इंफॉर्मेशन फॉर डिफाइनिंग प्रॉब्लम्स एंड टेकिंग एक्शन, हेल्थ अथॉरिटीज यूज द इंफॉर्मेशन टू सेट प्रायोरिटीज, प्लान इंटरवेंशन, एलोकेट रिसोर्सेज, डिटेक्ट आउटब्रेक्स प्रॉम्प्टली एंड रिकॉग्नाइज प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग द रूटीन एनालिसिस ऑफ डाटा फ्रॉम ऑनगोइंग पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स, रिक्वायर्स प्रोफेशनल एनालिसिस एंड सोफिस्टिकेटेड जजमेंट ऑफ डाटा लीडिंग टू रिकमेंडेशन फॉर कंट्रोल एक्टिविटीज. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिसीज एलिमिनेशन रिफर्स टू ऑप्शन ए एक्सटिंक्शन ऑफ डिसीज एजेंट, ऑप्शन बी टर्मिनेशन ऑफ ऑल डिसीज, ऑप्शन सी ग्लोबल रिमूवल ऑफ डिसीज एजेंट, ऑप्शन डी रीजनल रिमूवल ऑफ डिसीज एजेंट. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी ग्लोबल रिमूवल ऑफ डिसीज एजेंट. डिसीज एलिमिनेशन रिफर्स टू ग्लोबल रिमूवल ऑफ डिसीज एजेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन इंडिया विच डिसीज इज नियर टू एलिमिनेशन, ऑप्शन ए टेटनस, ऑप्शन बी रेबीज, ऑप्शन सी पोलियो, ऑप्शन डी मम्स. करेक्ट आंसर इज पोलियो. इन इंडिया पोलियो इज द डिसीज विच इज नियर टू एलिमिनेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट स्पेसिफिक प्रोटेक्शन मोड ऑफ डिसीज प्रिवेंशन एक्सेप्ट, ऑप्शन ए केमो प्रोफिलाइसिस फॉर मेनिंगोकोकल मेनिंगिटिस, ऑप्शन बी पर्सनल हाइजीन एंड एनवायरमेंटल सैनिटेशन, ऑप्शन सी यूजेज ऑफ कॉन्डम्स, ऑप्शन डी आइसोलेशन, ऑप्शन डी आयोडाइजेशन ऑफ सॉल्ट. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी पर्सनल हाइजीन एंड एनवायरमेंटल सैनिटेशन. ऑल ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट स्पेसिफिक प्रोटेक्शन मोड ऑफ डिसीज प्रिवेंशन एक्सेप्ट, पर्सनल हाइजीन एंड एनवायरमेंटल सैनिटेशन. सो ऑप्शन ए सी एंड डी रिप्रेजेंट स्पेसिफिक प्रोटेक्शन मोड ऑफ डिसीज प्रिवेंशन एंड ऑप्शन बी दैट इज पर्सनल हाइजीन एंड एनवायरमेंटल सैनिटेशन. इट डज नॉट रिप्रेजेंट स्पेसिफिक प्रोटेक्शन मोड ऑफ डिसीज प्रिवेंशन. सो कैमो प्रोफिलाइसिस ऑफ फॉर मेनिंगोकोकल मेनिंगिटिस, यूजेज ऑफ कॉन्डोम्स, आयोडाइजेशन ऑफ सॉल्ट, दीज रिप्रेजेंट स्पेसिफिक प्रोटेक्शन मोड ऑफ डिसीज प्रिवेंशन. इट्स एक्सप्लेनेशन इज स्पेसिफिक प्रोटेक्शन मोड ऑफ डिसीज प्रिवेंशन इज अ प्राइमरी लेवल ऑफ डिसीज प्रिवेंशन अप्लाइड व्हेन रिस्क फैक्टर्स आर प्रेजेंट इन एनवायरनमेंट बट डिसीज हैज नॉट येट टेकन प्लेस. रिस्क फैक्टर्स आर ऑलरेडी प्रेजेंट बट डिसीज इज प्रिवेंटेड फ्रॉम ऑकरिंग बाय यूजिंग अ स्पेसिफिक मॉडलिटी. एग्जाम्पल ग्रेसिया कैमो प्रोफिलाइसिस टू प्रिवेंट मेनिंगोकोकल meningitis, uses of condoms to prevent pregnancy or STIs, iodation of salt to prevent iodine deficiency disorders, personal hygiene and environmental sanitation is health promotion mode of intervention, also a type of primary level of prevention. Next question is secondary level of prevention include all of the following except ऑप्शन ए हेल्थ स्क्रीनिंग फॉर डिसीज फॉर डायबिटीज मिलिटस, ऑप्शन बी केस फाइंडिंग फॉर फालसी पैरम मलेरिया, ऑप्शन सी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग फॉर STIs, ऑप्शन डी रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी इन लेप्रोक्सी. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी इन लेप्रोक्सी. सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट. करेक्ट आंसर इज reconstructive surgery in leprosy. So secondary level of prevention include option A, B and C are correct, that is health screening for diabetes mellitus, case finding for falciparum malaria, control tracing for STIs and reconstructive surgery in leprosy. It does not include in secondary level of prevention. Its explanation is health screening for diabetes mellitus, case finding for falciparum malaria and contact tracing for STI
एस रिप्रेजेंट सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन एज डिसीज हैज पॉसिबली सेट इन एंड वी वांट टू डायग्नोज अर्ली एंड प्रोवाइड ट्रीटमेंट. रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी इन लिप्रोक्सी डिसीज लिप्रोक्सी विद पॉसिबल डिफॉर्मिटीज हैव ऑलरेडी टेकन प्लेस एंड वी आर नाउ एमिंग टू रिहेबिलेट द पेशेंट थ्रू रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी. दस इट इज अ फॉर्म ऑफ टर्शरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ पॉपुलेशन टू प्रिवेंट कोरोनरी आर्टरी डिसीज चेंजिंग हार्मफुल लाइफ स्टाइल्स बाय एजुकेशन इज रिफर्ड टू एज. इन अ पॉपुलेशन टू प्रिवेंट कोरोनरी आर्टरी डिसीज चेंजिंग हार्मफुल लाइफ स्टाइल्स बाय एजुकेशन इज रिफर्ड टू एज. ऑप्शन ए हाई रिस्क स्ट्रेटजी, ऑप्शन बी प्राइमरी प्रिवेंशन, ऑप्शन सी सेकेंडरी प्रिवेंशन, ऑप्शन डी टर्शरी प्रिवेंशन. करेक्ट आंसर इज प्राइमरी प्रिवेंशन. In a population to prevent coronary artery disease, changing harmful lifestyles by education is referred to as. Correct answer is primary prevention. Next question is, in an area with fluoride rich water, the defluoridation of water is which level of prevention? Option A primary, option B secondary, option C tertiary, option D primordial. Correct answer is primary. In an area with fluoride rich water, the defluoridation of water is primary level of prevention. Its explanation is, in the given question risk factors, fluoride rich water is already present in the environment and step is taken defluoridation of water to prevent occurrence of disease. Fluorosis, thus it is an example of primary level of prevention. Next question is, which of the following is an example of disability limitation in poliomyelitis? Which of the following is an example of disability limitation in poliomyelitis? Option A, reducing occurrence of polio by immunization. Option B, arranging for schooling of child suffering from PRPP. Option C, resting affected limbs in neutral position. Option D, providing calipers for walking. Correct answer is resting affected limbs in neutral position. So question here is, which of the following is an example of disability limitation in poliomyelitis? So resting affected limbs in neutral position, this is an example of disability limitation in poliomyelitis. Its explanation is, resting limbs in neutral position helps prevent overstretching of paralyzed muscles, thereby limits further disability. Disability limitation relates to all level of prevention, whereas rehabilitation refers to taking individual to highest level of functional ability. So in this video, important multiple choice questions have been given for the preparation of entrance exam for Master of Public Health. This is very useful for various university and institutes Master of Public Health entrance exam like AIIMS Rishikesh, AIIMS Raipur, AIIMS Jodhpur, AIIMS Bhubaneswar, Common University Entrance Test, CUET, PG, PGIMER, Chandigarh, TISS, Mumbai, JIPMER, Pondicherry, IIPH, NIMHANS Bangalore, JNU, Hyderabad University, Lucknow University, Rajiv Gandhi Health University, Pune University, ICMR, and for all other university and institutes which conducts Master of Public Health, that is MPH entrance exam, and students who are preparing for various university and institutes Master of Public Health entrance exam and other competitive exams, and for this, if they want online or offline coaching and want important questions PDF note, they can WhatsApp on 9411513974, and for the preparation of competitive exam, there is a WhatsApp group which link you will get in description box. Kindly subscribe to the channel so that you can get the information regarding important videos and get the information for various jobs and admissions. Thanks for watching this video.